चीज़ को लोगों के सामने कन्वेंस कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, इंद्री इसकी आँख है, स्वाद इसका खट्टा है, एयर एलिमेंट का, ठीक है। अब मान लो किसी की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन है, चूल्हा आ रहा है वहाँ पे गैस का, तो आप उससे क्या कहोगे कि आँख की प्रॉब्लम रहती है क्या? ठीक है मैम, कॉल आ गया था, एक मिनट, क्या बताया आपने? अगर एयर एलिमेंट में रसोई आ रही है, मान लो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रसोई आ रही है, तो आप उससे पूछ सकते हो उस घर में कि आपके घर में किसी को आँखों की प्रॉब्लम रहती है क्या? क्या आपके घर के लोग खट्टा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्या? क्या आपके घर में किसी को जो है जिगर में जो है प्रॉब्लम है क्या किसी के, या गुस्सा बहुत ज़्यादा घर में रहता है क्या? ये सारे जो बुक में जो स्वभाव दे रखा है ना, ये सारे नेचर्स आ जाते हैं इसमें, अगर ये इम्बेलेंस है तो। ठीक है, अब बैलेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंस होगा तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो आँख में कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई जिगर में प्रॉब्लम होगी, गुस्सा भी नॉर्मल होगा। और यदि इम्बैलेंस है तो फिर हम उसे बैलेंस करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद तीसरी डायरेक्शन आती है, हमारा तीसरा एलिमेंट आता है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। ये अग्नि दे रखा है आपका ये, ठीक है। फायर एलिमेंट क्या होता है? फायर एलिमेंट होता है आपका जोश, आपकी बॉडी में कितना जोश है। जागरूक केस स्टडीज है, ये सब कल होएंगी। आप कुछ पूछना है किसी को तो बताइए जल्दी, मैं क्लोज कर रही हूँ। मैम एक बार नर्सिंग का बता दीजिए, थोड़ा सा कंपास में दिखाई देगा, बिल्कुल कंपास में, उसमें शक्ति चक्र से दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि बैठते वक्त पैर आपके इसके अंदर हो, पैर आपके अंदर हो, ये ध्यान साइड खुली रहे, खास इस चीज पर फोकस करें, और साउथ और वेस्ट जो है आपके क्लोज रहे।